मध्यकालीन संत महात्मा कबीर ऐसे संत भक्त हुए हैं जिन्होंने भारतीय जीवन के अत्यंत ही गहराई को प्रभावित किया है। भारत के मूल जीवन दर्शन का पुनरुत्थान कर नवीन चेतना का प्रवाह मानव जीवन के ऐहिक और पारलौकिक कल्याण की कामना कबीरदास जी के दोहे का मुख्य उद्देश्य रहा है। यही कारण है कि कबीर के दोहों का अध्ययन और अध्यापन केवल कबीरपंथी ही नहीं करते, जन सामान्य में भी उनकी कविताएं लोकप्रिय हैं, उनके दोहे लोकप्रिय हैं, उनके साहित्य लोकप्रिय है। कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा अर्थात साधु और संतों की भाषा है। जहां उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी और कहीं कहीं शेखावटी की खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, वहीं कहीं कहीं भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग सुनने को मिलता है। कबीरदास न स्वयं लिखते थे न किसी से लिखाते थे, उनके शिष्य मंडली स्मरण मात्र से ही उनकी साखियों और पदों का संकलन करती थी। यही कारण है कि विभिन्न संस्करणों की भाषा भी कुछ कुछ भिन्न होती गई, कुछ अवधि के ठेठ के रूप में तो कुछ राजस्थानी से प्रभावित ब्रज भाषा में और कई पद तो भोजपुरी भाषा में भी संग्रहित हैं। आज के दूषित और तनावपूर्ण वातावरण में जहां नैतिक पतन, सामाजिक और चारित्रिक पतन की ओर हम सभी तेजी से गर्त की ओर जा रहे हैं, ऐसे में कबीर की वाणी आज कितना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीरदास जी की सार्थकता और भी बढ़ जाती है। वह निर्गुण स्वरूप हो तो कबीरदास से बड़ा संत कोई दिखता नहीं है जिनकी कविताओं में निर्गुणात्मक स्वरूप का बड़े ही उच्च कोटि से वर्णन किया गया है। आज मैं कबीर के जिन पदों को गाऊंगा या परिभाषित करूंगा उसमें मूल भावधारा को अक्षुण्ण रखने की चेष्टा और प्रमाणिक अभिव्यक्तियां भी प्रस्तुत की गई है। तो आइए कबीरदास जी के कुछ खास दोहे साखियों का हम लोग गायन और पाठन करें। संत कबीर, महान संत कबीर के इन पंक्तियों में मिथ्या जगत की चर्चा की गई है और सत्य असत्य को समझाया गया है। इस प्रकार आइए सुनिए। तब ही टूटे ने अर्थात मिथ्या संसार में सत्य की निष्ठा रखने वाला व्यक्ति भी झूठा ही होता है। कबीरदास जी ने स्पष्ट कहा है कि सत्य की निष्ठा रखने वाला व्यक्ति भी तब झूठा होता है क्योंकि यह संसार ही मिथ्या हो गया है। ऐसे झूठे व्यक्ति का जब ऐसे ही दूसरे झूठे व्यक्ति से मेल होता है तो उसमें संसार के प्रति मोह दृढ़ होता है। पर ऐसे व्यक्ति की जब जगत के मिथ्यात्व अर्थात झूठेपन से
एवं ब्रह्म के सत्यत्व अर्थात सच्चाई से निष्ठा वाला संत मिलता है। ऐसे संतों से मिलकर तभी संसार के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट होती है और उसका गमन ऊंचाई की ओर होता है। झूठे को झूठा मिले तू न बढ़े सरे, झूठे को साचा मिले तब ही टूटे ले, कबीरा तब ही कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि काठ की माला फेरने से कुछ नहीं मिलता, काठ की माला भी चेतावनी देती है। इन शब्दों में कबीर माला काठ की कबीर माला काठ की कहीं समझावे तो मन न फिरावे अपना, कहाँ फिरावे मोही। कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने कही है कि रे मानव तुझे काठ की माला भी चेतावनी देती है। वह कहती है कि तू मन को तो संसार से फिराता नहीं, अपने पूरे शक्ति से तू संसार में लगाए रहता है अपने मन को, अपने मन को संसार से नहीं फिराता है जिससे कल्याण हो सके। तो मुझे फिराने से, मुझे फेरने से, फिराने मतलब फेरने से क्या होता है? कबीर माला काठ की कहीं समझा दे तो मन न फिरावे अपना, कहाँ फिरावे तो कबीरा कहाँ फिरावे। एक एक पंक्तियों में कितना उपदेश भरा है। ये है कबीर वाणी।